नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंजीनियर चैनल पर स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक रियलमी 3 मोबाइल है, पूरा तरीके से डेड हो चुका है। दोस्तों हम ये रियलमी 3 मोबाइल को कौन सा तरीके से रिपेयर कर जाना है, अब मैं ये वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा दोस्त ने एक शॉप वालों ने मुझे ये रिपेयर करने के लिए दे दिए है। देखिए दोस्तों, डेड बॉल का ऑलरेडी है, इस पर लीकेज स्टिकर भी लगा के मुझे दे दिए है। इसका मॉडल नंबर दोस्तों RMX 1825 है। देखिए दोस्तों, RMX 1825 है इसका मॉडल नंबर। हम इसे रिपेयर करने का तरीका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको कौन सा भी मोबाइल को पहला चेक करने वक्त अब एंड्रॉयड बोर्ड है ना आपके पास, वो यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं पहला आपको ये चार्ज लगा के बता दूंगा। हम ये चार्जर लगाने पर हमारा एंड्रॉयड बोर्ड में ब्लू इंडिकेटर आ रहा है, तो आपका पावर आईसी और चार्जिंग सेक्शन सो भी बराबर है बोलकर हम समझ लेना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ चार्जर केबल को। अब देखिए दोस्तों, चार्जर केबल को इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें चार्जर इंसर्ट कर दिया है। वो इंसर्ट करने के बाद हमारे एंड्रॉयड बोर्ड में क्या इंडिकेटर आ रहेगी वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए दोस्तों, अब मैं चार्ज केबल लगा दिया है। देखिए दोस्तों, लगा के अब मैं एंड्रॉयड बूट केबल आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड बोर्ड में ब्लू इंडिकेटर आ रहा है और 17 ऐसा रीडिंग ले रहा है। इसका मतलब है हमारा चार्जर सेक्शन में से और हमारा मोबाइल का सप्लाई तो पास हो रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा मोबाइल में क्या हो रहा है, ब्लू इंडिकेटर आ रहा है दोस्तों। अब ऐसा वक्त में हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ है, तो अब हमारा मोबाइल ओपन करके हमारे बैटरी में वोल्टेज कैसा है चेक करेंगे। बाद में वोल्टेज चेक करने के बाद में शॉर्टेज सब कुछ चेक कर देंगे। चेक करके इसका बाद में इसमें EMMC फॉल्ट है नहीं तो इसका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है कि वो भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा दोस्तों। इससे पहले हम एक बार हमारा मोबाइल को PC से कनेक्ट करके भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं कि वो चेक करना पड़ेगा दोस्तों। डिटेक्ट हो रहा है तो हमारा EMMC प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारा ये हमारा एंड्रॉयड बोर्ड में चार्जिंग का इंडिकेटिंग हो रहा है, इसलिए एक बार हमारे EMMC फॉल्ट हुआ है कि नहीं कि एक बार हम डिटेक्ट करके चेक करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम सिस्टम पर जाके चेक कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा Realme 3 का रीड को हमारा EMMC को चेक करने के लिए मैं हमारा अनलॉक टूल को ओपन कर दिया है। अनलॉक टूल को ओपन करने के बाद पहला हमारा ओप्पो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ओप्पो बोल कर दिखा देगा दोस्तों, ओप्पो बोल कर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद में हमारा मॉडल को चूज करना पड़ेगा दोस्तों। या इसका मॉडल नंबर है Realme 3 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यार Realme 3 बोल कर दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, Realme 3 1822 1823, ये हम 1821 ये तीनों एक मॉडल होता है दोस्तों, इसलिए ये हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें CPU देता है MediaTek वाला MT6771 है दोस्तों। अब ऐसा सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करना है, इसको रीड कर लेना है दोस्तों। हमारा रीड इन्फॉर्मेशन बोल कर दिख रहा है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके हमारा मोबाइल कनेक्ट करने से हमारा EMMC में फॉल्ट है नहीं कि हमारा समझ में आ जाएगा। अब वो ऐसा करने के बाद हमारा ये वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों एक बार प्रेस करके हमारा USB केबल से लगाने से हमारा EMMC में रीड हो जाएगा। अब ये कनेक्ट करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा ये डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें इन्फॉर्मेशन में, इसलिए हमारा मोबाइल को पहला ओपन करके चेक कर लेंगे। चेक करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल को ओपन कर दिया है। मैं अब ओपन करके चेक कर देता है। देखिए दोस्तों, पहला हमारा मोबाइल में शॉर्टेज है नहीं वो चेक कर देंगे। बाद में हाँ, बैटरी में वोल्टेज क्या था वो चेक कर देंगे दोस्तों। अब इसलिए हम पहला शॉर्टेज चेक करने के लिए मीटर को बजर मोड में रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं बजर मोड में रख दिया है। पजर मोड में होकर हमारा रेड पर बॉडी पर लगाना है, ब्लैक पर से हमारा VBAT पॉइंट चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा VBAT पॉइंट है 420 दिखा रहा है दोस्तों। सेम वही तरीके में अपोजिट भी चेक करना पड़ेगा, 1500 ऐसा दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारा इनपुट में शॉर्टेज नहीं है, हमारा VBAT में शॉर्टेज नहीं है। इसके बाद में हमारे बैटरी में सप्लाई गया था वो चेक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारे बैटरी में सप्लाई का फिर वो चक्कर देंगे, इसलिए हमारा मीटर को DC 20 में रखना पड़ेगा। ओके, DC 20 में रख दिया है दोस्तों। रखने के बाद
ब्लॉक पर बाड़ी है, ग्राउंड पर लगाना है, बेड पर वो पी प्लस पर लगाना है। देखिए दोस्तों 3.42 है, इसका मतलब है नॉर्मल चार्जिंग है दोस्तों इसमें, इसका मतलब वो हम चार्ज लगाया तो चार्जिंग इंडिकेटर हमको दिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये भी बराबर है। अब इसका बाद में नॉर्मल से विदाउट बैटरी से हम एक बार चार्जर इंसर्ट कर देंगे, हमारा एंड्रॉइड बोर्ड में क्या दिखाएगा कि ठीक है दोस्तों। हम अब बैटरी नहीं सर का विदाउट बैटरी से लगाने पर हमको थोड़ा इंडिकेट करेगा दोस्तों हमारा मोबाइल, वो क्या इंडिकेट कर रहा है वो हम चेक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों मैं चार्जर बैटरी रिमूव करके अब मैं चार्जर इंसर्ट करके दिखा रहा है आपको। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 0-0 दिखा रहा है दोस्तों, इसका मतलब है हमारा मोबाइल तो लोड तो नहीं ले रहा है दोस्तों, इसका मतलब है हमारा EMMC फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, इसमें EMMC या सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो सकता है, इसलिए हमारा ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। अब हम इसको EMMC को उतार के चेक कर लेंगे फिर से। अब देखिए दोस्तों मैं बोर्ड उतार दिया है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा बैक साइड बोर्ड है, ये हमारा CPU है दोस्तों, ये हमारा EMMC ऑलरेडी उन्होंने इस पर वर्क भी कर दिया है, लेकिन वर्क वहाँ पर नहीं हुआ दोस्तों। अब ये हमारा EMMC होता है, EMMC को रिमूव करके हम चेक कर लेंगे, चेक करने पर हमको समझ में आ जाएगा, ये चेक करके फिर से हम मोबाइल को कनेक्ट करने पर PC पर डिटेक्ट हो रहा है नहीं कि चेक करके बाद में इसको प्रोग्रामिंग कर देंगे, करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाद में मोबाइल भी ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये EMMC रिमूव करके मैं आपको बता दूंगा दोस्तों डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं कि हमारा मोबाइल है। ओके देखिए दोस्तों मैं अब हमारा EMMC को ओपन कर दिया है, अब फिर से हमारा मोबाइल बोर्ड को फिटअप करके चेक कर देंगे बूट हो रहा है कि नहीं कि ये हमारा EMMC है दोस्तों। अब इसको हमारे मोबाइल को फिर से कनेक्ट करके बोर्ड फिटअप करके चेक कर लेंगे, मोबाइल बूट हो रहा है तो हम हमारा EMMC को प्रोग्रामिंग करने पर ओनली फ्लैशिंग करने पर मोबाइल तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अब हम इसको फिर से और एक बार PC से कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अब हमारा पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है इसमें, CPU का है सब कुछ, बूटिंग मोड में फेल बोल कर आ गया, इसका मतलब हमारा EMMC नहीं है दोस्तों, इसलिए EMMC का डेटा का ऑप्शन तो नहीं आया है दोस्तों इसमें, ओनली हमारा मोबाइल कनेक्ट हो गया है USB पोर्ट में। देखिए दोस्तों इसका मतलब है हमारा ओनली हमारा EMMC फॉल्ट है दोस्तों, EMMC फॉल्ट की वजह से मोबाइल डेड हो गया है। ठीक है दोस्तों अब हम इसको भी चेक करेंगे हमारे EMMC क्या फॉल्ट है, ये हमारा EGTAG बॉक्स में रख के चेक कर देंगे दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों हमारा EMMC का फॉल्ट ये है दोस्तों, इसलिए हमारा मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है, 80-90% लाइफ टाइम यूज बोल कर आ रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा एक बार पार्टीशन पे वेट कर लेंगे, फर्मवेयर पे वेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों फर्मवेयर नॉट फाउंड बोल कर आ रहा है, और हमारा हेल्थ भी पूरा तरह से खराब हो चुका है दोस्तों, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड बोल कर आ रहा है, इसलिए हमारा मोबाइल डेड हो गया है दोस्तों, इसका EMMC फॉल्ट है, हम इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करने पर हमारा मोबाइल तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम पहला क्या करना, हमारा डंप को अवीट कर लेना है, अवीट कर को सिक्योरिटी पर्सन को अवीट कर लेना है, बाद में हमारा यह सैमसंग वाला EMMC है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा कंपनी है सैमसंग, देखिए दोस्तों सैमसंग EMMC है, इसलिए हमारा इसका RPMB को क्लीन करने पर ये हमारा लाइफ टाइम का खत्म हो जाएगा, खत्म होगा फ्रेश हो जाएगा दोस्तों, बाद में हमारा मोबाइल को फिर से डंप और सिक्योरिटी पॉइंट से राइट करके फ्लैश करने पर मोबाइल ऑन हो जाएगा दोस्तों, ये करने पर फिर से मैं आपको बता दूंगा बाद में। ओके अब देखिए दोस्तों हमारा सैमसंग EMMC को हेल्थ रिपोर्ट सही करने का तरीका मैं आपको बता देता है। देखिए दोस्तों इसको RPM में क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों, RPM में क्लीन करने पर आपका
हेल्थ रिपोर्ट 80-90% का सही हो जाएगा। उसलिए अब मैं एमएमसी जेटा को टूल में निकल गया है, जाने के बाद एमएमसी को सेलेक्ट कर दिया है, करने के बाद ये सब कुछ सेलेक्ट कर दिया है, करने के बाद ये वन बिट पर रख के बाद में डिटेक्शन कर जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके डिटेक्ट हो गया है। होने के बाद अब मैं एडवांस में जाता है दोस्तों। एडवांस में जाने के बाद पहला ये डंप को रीड कर लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं डाउनलोड ऑप्शन में डंप को रीड कर लेता है, यहाँ पर सेव कर जाता है। ओके देखिए दोस्तों, हमारा डंप तो रीड हो गया है, हो रहा है दोस्तों। ओके डंप बीट हो गया। तो होने के बाद अब हम अपडेट एमएमसी में जाना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपडेट एमएमसी में जाना है। अपडेट एमएमसी में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करना है, एडवांस में जाना है। जाने के बाद या वावाइट बॉल का दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका फाइल डालना पड़ेगा। बीट कर दिया ना, वो फाइल डालना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए अब हम इसको या क्लिक करके या इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आपका डाउनलोड पे जाना है। जाने के बाद आपका फाइल वगैरह सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओपन कर दिया। करने के बाद अब हम कंफर्म कर देना है। अब राइट एफएफयू कर देना है दोस्तों। ऐसा करने पर आपका आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा और आपका हेल्थ रिपोर्ट भी सही हो जाएगा, बैड हेल्थ भी सही हो जाएगा दोस्तों। एमएमसी सक्सेसफुल से रिकवरी होकर नॉर्मल से हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, सक्सेसफुल बोलकर आ गया है एमएमसी रिपेयर, सक्सेसफुल बोलकर आ गया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा एमएमसी को और एक बार रिमूव करके फिर से लगा लेना है दोस्तों। लगा दिया, लगा फिर से डिटेक्ट कर देता है। देखिए तो पूरा हमारा इंफॉर्मेशन पूरा आ गया है। अब हम इसको फिर से क्लोज करके हमारा इजीजेटा प्लस टूल को ओपन कर देता है। मैं इससे पहले हमारा ये डंप को और फुल डंप को दोनों को अपडेट कर लिया है दोस्तों। अपडेट करके साइड रख दिया है और हम कुछ करने का नहीं है, दो हम वेट कर देना पड़ेगा। वेट करने से हमारा मोबाइल सही से ऑन हो जाएगा दोस्तों। ओके ओपन हो गया है दोस्तों। अब ओपन होने के बाद फिर से हम एक बार चेक के एमएमसी कर देंगे, हमारा हेल्थ रिपोर्ट इसमें मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो अपडेट पोजिशन इसके बाद एडवांस में जाना है। जाने के बाद स्मार्ट रिपोर्ट में जाना है दोस्तों। स्मार्ट रिपोर्ट में जाने से आपको आपका हेल्थ रिपोर्ट मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका हेल्थ रिपोर्ट सही हो गया है। अब हम इसके बाद में इसका फिर से हमारा डंप को अवॉइड कर लेना है दोस्तों। उसके लिए आप क्या करना है, राइट ऑल एमएमसी को सेलेक्ट करके या तो वन बाय वन कर सकते हो। तो पहला रोम टू को सेलेक्ट कर देंगे और रोम टू सेलेक्ट करके बाद में यहाँ से आपका डंप फाइल्स कहाँ पर है कि वहाँ पर निकल जाना है। और रोम टू सेलेक्ट कर दिया है दोस्तों, 4 MB का फाइल है ये, सेलेक्ट करके या 4 MB को सेलेक्ट करना पड़ेगा करके और राइट एमएमसी करना है दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, यह वाइट हो गया है, वाइट हो गया है। ओके सक्सेसफुल से सेम वही तरीके में रोम टू भी सेट करना पड़ेगा बाद में, या हमारा 4 MB सेट करना पड़ेगा बाद में वाइट एमएमसी। ओके देखो सक्सेसफुल से हो गया। सेम वही तरीके में अब रोम वन का भी चूज करना पड़ेगा। रोम वन 128 MB का है दोस्तों यह, उसलिए हम 128 MB सेलेक्ट करना पड़ेगा या ओके 128 MB सेलेक्ट कर दिया है करके वाइट कर देना है।
ओके, उसके बाद में अब हम एक बार फिर से चेक कर देंगे, एक बार पार्टीशन आ गए कि नहीं चेक कर देंगे दोस्तों। देखो तो हमारे पार्टीशन भी आ गए हैं सक्सेसफुल से, ओनली हमारा फर्मवेयर नहीं है दोस्तों इसमें। अब फर्मवेयर पर क्लिक करके एक बार चेक करने से आपका फर्मवेयर नहीं दिखा, फर्मवेयर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें फर्मवेयर लोड नहीं कर दिया है। अब हम इसका बाद में राइट बाई वेंडर में जाना है, जाके अब हमारा मीडियाटेक को सेट कर देना है, क्योंकि मीडियाटेक सीपीयू है ना, इसलिए मीडियाटेक सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद या स्कैटर फाइल में जाना है, बाद में एचपी डॉट पर क्लिक करने पर ऐसा ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपका फुल डंप कहाँ पर है कि वहाँ पर जाना है। देखिए दोस्तों, फुल डंप पर जाके वहाँ से स्कैटर फाइल को सेट कर देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, स्कैटर फाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ भी नहीं करने का दोस्तों, डायरेक्ट हम फ्लैश कर देना है। डायरेक्ट फ्लैश करने पर हमारा मोबाइल में पूरा फ्लैशिंग सक्सेसफुल से हो जाएगा। देखो दोस्तों, फ्लैशिंग शुरू हो गया है, पूरा होने के बाद तो वैसे मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा फ्लैशिंग होना हो गया एमएमसी में। अब हमारा एमएमसी को रिमूव करके हमारे मोबाइल बोर्ड में फिटअप करके चेक कर लेंगे दोस्तों, ऑन होता है कि नहीं है कि। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा एमएमसी को भी रिबॉल भी कर दिया है और प्रोग्राम भी कर दिया है दोस्तों। अभी हमारा एमएमसी है, देख लीजिए दोस्तों, इसको रिबॉल और प्रोग्रामिंग कर दिया है। अब ये हमारा एमएमसी को हम मोबाइल में फिटअप करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। फिटअप करके फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हम एमएमसी भी फिटा दिया है। देखिए दोस्तों, और एमएमसी भी फिटा दिया है सक्सेसफुल से। अब हमारा बोर्ड लगा के चेक करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं है कि। देखिए दोस्तों, लगा दिया है, अब चार्ज लगा के देखेंगे। चार्ज इंसर्ट कर दिया है। ओके, सक्सेस हो गया दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मोबाइल सक्सेसफुल से ऑन हो चुका है। अब ऑन करके देखेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से मोबाइल ऑन हो गया है। अब हमारा रेल में बॉल कर आ गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको डेड मोबाइल करने का पूरा तरीका फर्स्ट से लेकर अब तक मैं बता दिया दोस्तों, पूरा प्रोसेस बता दिया है आपको। ऐसा वीडियो कहाँ पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये वीडियो डाल दिया है दोस्तों। इसलिए मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक कर लीजिए दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं अब ये वीडियो कर दिया दोस्तों, यहाँ से फिर से आपके लिए अच्छा जेन्यून वीडियो आपके लिए मैं कर दूंगा दोस्तों। फेक वीडियो नहीं रहेंगे हमारे चैनल पर, इसलिए आपने अच्छे से सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपको लाइव में मैं करके बता दिया दोस्तों पूरा प्रोसेस, आपको ऐसा वीडियो कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से मोबाइल ऑन हो गया है, रिलीव बोल कर आ गया है। अब ये थोड़ा प्रोसेस होने के बाद फिर से हमारा स्टार्टअप एम्बलम भी आ जाएगा दोस्तों। अब ये स्टार्टअप होने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल को प्रोग्रामिंग करने के बाद फाइनल से ऐसा वेट कर देना दोस्तों, ऐसा करने पर हमारा मोबाइल पूरा तरीके से ऑन हो जाएगा, नहीं तो हैंग ऑन लोगों पे आके अटक जाएगा दोस्तों। इसलिए अब मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ, फ्लैशिंग करके अब हम मोबाइल ऑन करने से हमारा मोबाइल आसानी से पूरा तरीके से ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा होने के बाद फिर से मैं ऑन करके आपको बता दूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल सक्सेसफुल से फ्लैश हो गया है, होने के बाद ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों,
सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, फ्लैशिंग होना पूरा हो गया दोस्तों, होने के बाद ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो जैसा कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक कर देना है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ऐसा पेड कोर्स आपको फ्री में बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आप ऐसा कोर्स सीखने के लिए बहुत थोड़ा हज़ारों डाल को आप सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा मोबाइल सक्सेसफुल से ऑन हो चुका है। ऐसा टेक्निकल और लेटेस्ट वीडियोस को आपके लिए मैं लेकर आऊँगा दोस्तों, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप वो ऐसा वीडियो हो तो हजारों डाल को सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा वीडियो लाइव में बता दिया है आपको रिपेयर करने का तरीका, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। आप ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दिया है वही मोबाइल है दोस्तों, फिर भी मैं ये बता देता है, थोड़े लोगों ने फेक वीडियो करके बोलकर बोल देते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका एमई कोड भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका एमई कोड भी आ गया है और इसका बेस बैंड सब कुछ आ गए है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सब कुछ इसमें आ गए है परफेक्ट से। रियलमी 3 RMX 1825। देखिए दोस्तों,